योगी के दिल्ली आने की इन तस्वीरों से पहले लखनऊ में इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। जी हाँ, योगी के जिस दौरे को अचानक माना जा रहा है वो बिल्कुल बहुत अचानक नहीं था। बताया जाता है कि इसका कार्यक्रम बुधवार को ही लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बना। उस रोज उत्तर प्रदेश बीजेपी के दो बड़े नेता आनंद फानंद में योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे। बुधवार शाम 6 बजे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी संगठन से जुड़े शीर्ष लोगों की अचानक बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक कितनी अहम थी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल लखनऊ में नहीं थे और वो हेलीकॉप्टर से इस बैठक के लिए पहुंच गए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, जिन्हें इस बैठक में शामिल होने के लिए तुरंत बुलाया गया था। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुधवार शाम 6 बजे शुरू होकर 2.5 से 3 घंटे चली। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी हड़बड़ी थी कि अचानक मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई गई और सुनील बंसल को इसमें शामिल करवाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। इसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री का बिना शेड्यूल दिल्ली के लिए रवाना हो जाना अपने आप में काफी मायने रखता है। योगी के दिल्ली दौरे को लेकर अभी तक जो अटकलबाजी चल रही है उसके मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के अध्यक्षों के नाम पर भी मुहर लगाई जा सकती है। लेकिन सबसे अहम मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच मतभेद की खबरें आई है उसे इस मुलाकात के जरिए दूर करने का प्रयास किया जा रहा हो ताकि बीजेपी के मिशन 2022 में कोई रुकावट ना आए। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही रसाकशी में अहम नाम उभरा है ब्यूरोक्रेसी से सियासत में आए एके शर्मा का। उत्तर प्रदेश के सियासी घटनाक्रम में एके शर्मा का नाम पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस दिल्ली दौरे से जरूर एक बात साफ होगी कि एके शर्मा का क्या होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जरूर चाहेंगे कि एके शर्मा को लेकर जो तमाम बातें चल रही हैं उस पर विराम लगे और दिल्ली दरबार जरूर यह इशारा करे कि आखिर उन्हें मंत्रिमंडल में लेना है या नहीं, और अगर लेना है तो उन्हें किस हैसियत में मंत्रिमंडल में लाना है। ये योगी आदित्यनाथ भी जरूर चाहेंगे और केंद्रीय नेतृत्व भी कहीं ना कहीं यह इशारा जरूर देगा। पिछले महीने भर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व मिलता है तो लखनऊ में संगठन महामंत्री बीएल संतोष 3 दिन के दौरे पर आते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी में कुछ तो पक रहा है जिसके केंद्र में 2022 का चुनाव है, जिसे बीजेपी हर हाल में जीतकर 2024 के लिए आश्वस्त हो जाना चाहती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।